हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम जिनकी वीडियो रिक्वेस्ट है उनकी आईडी है नॉन स्टॉप सदान। फ्रेंड्स, जिस गेम के ऊपर इन्होंने मुझसे वीडियो बनाने के लिए कहा था, वाकई में बहुत ही गजब की गेम है। ये गेम खेली गई थी बल्गेरियन विमेन ग्रैंड मास्टर एंतोवा नेता स्टेफेनोवा और गेलिना स्त्रुतिंस्काया, जो कि रशिया को रिप्रेजेंट करती है। फ्रेंड्स, ये गेम खेली गई थी 1994 ओलंपियाड, वुमेन्स ओलंपियाड में मॉस्को रशिया में खेला गया था। 14th राउंड की ये गेम है। शुरू करते हैं गेम को। यहाँ स्टेफेनोवा ने d4 के साथ शुरू किया, तो गलीना ने यहाँ e6 शुरू किया, डच डिफेंस, नाइट f3, देन f5, g3, तो नाइट f6 स्क्वायर पर, बिशप g2, देन d5, और इसके बाद यहाँ व्हाइट ने कैसल किया, बिशप d6, देन c4, c6, देन e3, उसके बाद यहाँ ब्लैक ने कैसल किया, नाइट c3, देन नाइट b गोज टू d7, c takes d5, e takes d5, देन हुआ b3, नाइट e4 स्क्वायर पर। नाइट के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग आउटपोस्ट है, लेकिन यहाँ भी व्हाइट ने नाइट को एलिमिनेट नहीं किया, अदरवाइज ये पॉन चेन बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती है। खैर, नाइट गया e2 स्क्वायर पर फॉर व्हाइट, देन हुआ g5, तो बिशप b2 यहां पहले व्हाइट ने किया। क्वीन गई f6 स्क्वायर पर, देन नाइट c1 g4, तो नाइट पर अटैक था, नाइट गया e1 स्क्वायर पर, क्वीन g5, देन क्वीन गई e2 स्क्वायर पर फॉर व्हाइट, देन हुआ h5 f3, और जिस तरह का पॉन थ्रस्ट ब्लैक का चलता आ रहा है, मुझे लगता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेशर में यहां पर व्हाइट रहने वाला है। खैर, फिलहाल इस एफ पॉन की मूवमेंट के बाद नाइट पर अटैक है, हो सकता है इस तरह का कुछ काम भी, लेकिन यहाँ हुआ था नाइट एट ई गोज टू एफ सिक्स, अपने नाइट को किया, देन नाइट एट सी गोज टू डी थ्री, रुक गया ई एट स्क्वायर पर, ताकि व्हाइट का नाइट यहाँ इस ई फाइव स्क्वायर पर बहुत स्ट्रॉन्ग आउटपोस्ट न बना ले, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ व्हाइट ने अपने नाइट को ई फोर स्क्वायर पर, इसके एक बहुत स्ट्रॉन्ग आउटपोस्ट को ऑक्यूपाई करने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि अगर ब्लैक यहाँ नाइट टेक सी फाइव करेगा, तो यहाँ पहले होगा डी टेक सी फाइव, बिशप पर अटैक होगा, बिशप टेक ई फाइव होने के बाद होगा बिशप टेक सी फाइव, और अगर यहाँ ब्लैक ने रुक से इस बिशप को लिया, तो उसके बाद होगा जी टेक एफ थ्री, दैट इज विनर फॉर व्हाइट। या फिर अगर कहें कि ब्लैक यहाँ जी टेक्स एफ थ्री पहले करता है, ताकि जी पॉन आगे पुश ना हो, तो यहाँ पर व्हाइट पहले नाइट टेक्स एफ थ्री करेगा, और वो यहाँ अपने इस बिशप पर भी डिफेंस कर लेगा, क्वीन पर भी अटैक बनेगा, तो काफी स्ट्रॉन्ग मूव होता है यहाँ नाइट को ई फाइव स्क्वायर पर ले जाकर व्हाइट के लिए। ब्लैक ने यहाँ किया था नाइट एफ, देन व्हाट अबाउट दिस एफ पॉन मूव, अभी भी हो सकता था, लेकिन नाइट एट वन गोज टू डी थ्री यहाँ पहले व्हाइट ने किया, देन हुआ बिशप ई सिक्स, क्वीन एफ टू स्क्वायर पर, रुक एट ए गोज टू डी टू, देन रुक एट ए गोज टू ई वन, रुक ई सेवन, देन बिशप सी वन स्क्वायर पर, और यहां अगले मूव में क्या थ्रेट है, इस पॉन को आगे पुश करके डायरेक्टली क्वीन पर अटैक बनाने की, तो ये क्वीन गई पहले जी सेवन स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट एफ, और इस नाइट के लिए इससे अच्छा और कोई स्क्वायर हो भी नहीं सकता। तो यहाँ ब्लैक ने अपने सी एट स्क्वायर पर लिया, देन हुआ बिशप बी टू, देन रुक एट डी गोज टू ई एट, ए थ्री, देन ए सिक्स। वैसे फ्रेंड्स, मैं यहाँ अगर बात करूं ब्लैक की इन रुक्स की बैटरी की, ये बहुत अनस्टेबल है। क्यों? अभी मैं बताता हूं। यहाँ पहले व्हाइट का मूव था, उन्होंने यहाँ अपने बी पॉन को आगे पुश किया, और मेरे ख्याल से ब्लैक के पास एक सीरियस ऑप्शन थी अपने इस एच पॉन को आगे पुश करने की, क्योंकि ऑलमोस्ट करना ही पड़ता यहाँ पर जी टेक्स एच फोर व्हाइट को, लेकिन इसके बाद होता जी टेक्स एफ थ्री। क्वीन टेक्स एफ थ्री होने के बाद यहाँ ये जी फाइल दोनों खिलाड़ियों को ओपन मिल सकती थी, यानी कि गेम यहाँ पर इक्वल रहती, लेकिन एक अच्छा गेम प्ले बन सकता था। पर ब्लैक ने यहाँ अपने नाइट को ई सिक्स स्क्वायर पर प्लेस किया, और ई सिक्स स्क्वायर पर प्लेस करने के बाद यहाँ एक नाइट के लिए एटलीस्ट मैं कह सकता हूं कि ये जी सिक्स स्क्वायर बहुत स्ट्रांग होने वाला है, और वही काम यहाँ व्हाइट ने किया भी। नाइट एट एफ गोज टू जी सिक्स, रुक गया सी सेवन स्क्वायर पर, रुक और अटैक था, देन एफ टेक्स जी फोर, नाइट टेक्स जी फोर, और फ्रेंड्स यहाँ व्हाइट ने स्टेफेनोवा ने पहले किया क्वीन टेक्स एफ फाइव, और आखिर उन्होंने ऐसा यहाँ क्यों किया है? ऐसा नहीं है कि उन्हें यहाँ पॉन मिलता है, क्योंकि बिशप का अटैक भी आता है, और वही काम यहाँ गलीना ने किया भी, नाइट टेक्स डी फोर, डिस्कवर्ड अटैक यहाँ बना क्वीन पर, देन क्वीन गई डी थ्री स्क्वायर पर, नाइट एफ थ्री चेक, और फ्रेंड्स यहाँ ये काफी इंटरेस्टिंग वेरिएशन है, बड़ा संभल कर यहाँ सब मेटेरियल एक्सचेंज करना होगा। यहाँ ब्लैक ने अपने इस नाइट को, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि सेक्रीफाइस किया है, लेकिन मेटेरियल एक्सचेंज ऑफर दिया, तो व्हाइट को यहाँ क्या करना चाहिए था? आई थिंक बिशप टेक्स एफ थ्री वॉज वन ऑफ इट्स ऑप्शन, लेकिन अगर यहाँ से ही गेम आगे बढ़ती है, तो बिशप टेक्स सी फाइव पहले यहाँ पर ब्लैक करेगा, देन बिशप डी फोर, आइदर व्हाटएवर इट इज चाहिए, लेकिन यहाँ गेम में होता नाइट टेक्स एफ थ्री,
दैट्स ओके, क्वीन टेक्स बी टू, पर क्वीन की एंट्री हो जाती है यहां पर सेकंड रैंक में इस तरह से, लेकिन नाइट डी फोर यहां पहले व्हाइट ने किया। और अब आप अगर देखें कि क्या इस क्वीन के जाने के लिए कोई जगह है, मुझे तो नजर नहीं आ रही है। यहां मेरे ख्याल से ब्लैक को अपने रुक को एफ सेवन स्क्वायर पर प्लेस कर देना चाहिए था। यहां मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, रुक टेक्स एफ सेवन यहां व्हाइट को करना ही पड़ता, किंग टेक्स एफ सेवन देन रुक एफ वन चेक वट एवर इट इज, कुछ इस तरह से गेम आगे बढ़ती। लेकिन जब यहां ब्लैक ने अपने सी पॉन को आगे पुश किया नाइट पर अटैक बनाने के लिए, तो व्हाइट ने यहां पहले अपने रुक को रखा ई टू स्क्वायर पर, और कहीं ना कहीं कोशिश है ब्लैक की क्वीन को ट्रैप करने की। देन हुआ रुक टेक सी थ्री, ब्लैक भी यहां इस गेम को इजिली नहीं छोड़ना, उन्होंने भी यहां कहा कि ठीक है क्वीन फॉर क्वीन। लेकिन फ्रेंड्स यहां इस पॉइंट से क्वीन एक्सचेंज न करके व्हाइट के पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव है, उन्होंने यहां अपनी इस क्वीन को बचाने के लिए पहले किया नाइट ई सेवन चेक, अपने नाइट को सेक्रीफाइस किया। क्यों, रुक टेक्स ई सेवन होने के बाद हुआ क्वीन जी सिक्स चेक, और क्वीन के जी सिक्स चेक होने के बाद क्वीन चेक देने के साथ बच तो गई है, पर चलिए रुक जी सेवन स्क्वायर पर यहां पहले ब्लैक ने लिया, और रुक के जी सेवन स्क्वायर पर आने के बाद फिर दोबारा क्वीन पर अटैक बनता है। देन हुआ बिशप टेक्स डी फाइव चेक, और इस बिशप की एंट्री का किसी को अनुमान नहीं रहा होगा। किंग गया एच एट स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन टेक्स एच फाइव विद अ चेक, और दोबारा चेक आई। देन हुआ रुक एच सेवन, और ये क्वीन फिर दोबारा जी फाइव स्क्वायर पर आई। और फ्रेंड्स अब यहां पर आखिर ब्लैक करे तो करे क्या, क्या वो यहां अपने इस क्वीन को बचाए, या फिर यहां अपने इस रुक को, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट इस चेकमेट को जो कि बिशप की मदद से यहां आ रही है। यहां हुआ था रुक टेक्स जी थ्री विद चेक, एच टेक्स जी थ्री होने के बाद चलिए रुक तो बचता नहीं था किसी भी तरह से यहां पर ब्लैक का। देन हुआ क्वीन टेक्स डी फोर, क्वीन टेक्स डी फोर होने के बाद रुक आया एफ टू स्क्वायर पर, फिर दोबारा वही बात की व्हाइट यहां अभी तक भी चेकमेट की थ्रेट दे रहा। मान लेते हैं कि ब्लैक अगर यहाँ नाइट टेक्स एफ टू करे भी तो उसके बाद क्वीन जी एट चेक और इस मेट का कोई इलाज नहीं, तो ब्लैक के पास क्या सॉल्यूशन है, उन्होंने यहाँ अपने रुक को रखा जी सेवन स्क्वायर पर। देन हुआ क्वीन एच फोर चेक, और फ्रेंड्स सारा फोर्सफुल सीक्वेंस है, रुक वापस एच सेवन स्क्वायर पर गया, देन हुआ क्वीन डी एट चेक, और अब किंग के जाने के लिए बचा है सिर्फ जी सेवन स्क्वायर, और यहाँ फाइनल मूव आया स्टेफानोवा का, वो था क्वीन जी फाइव चेक। और यहाँ इस मूव के बाद गेलिना रिजाइन कर दे, और रेजिग्नेशन का रीजन कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, यहाँ एफ फाइव ने रुक को कवर किया हुआ है, किंग के जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये एच एट स्क्वायर ही बचा है। यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ती है तो ये किंग एच एट स्क्वायर पर ही जाएगा, देन क्वीन जी एट चेक एंड दैट्स मेट। फ्रेंड्स क्या गजब की चेकमेट थी, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर।